हो चुकी है नए दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ पर कर रही है आंटी जी खेतों में काम, क्योंकि बारिश आई है कल। आजकल हर शाम को बारिश आ रही है, जिससे मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और खेत भी गुड़ाई करने के लिए बहुत अच्छे हो रखे हैं। और पौधों में थोड़ा अंतर भी आ जाता है, थोड़ा सा कूड़ा कबाड़ जो गेहूं और चावलों के बीच में आ जाता है, तो उसकी सफाई करने के लिए भी बढ़िया गुड़ाई की जा सकती है। तो बारिश आजकल बहुत अच्छा अवसर है गर्मियों में भी, तो आंटी जी यहाँ पे गुड़ाई करने के लिए आई है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चल रही है हमारी सफाई और पैकिंग। आज ज़्यादा सामान हम पैक कर चुके हैं, कितनी ज़्यादा आफत है ना, मतलब सामान पैक करना भी। दीवान खाली कर चुके हैं। दीवान के साथ ये होगा, जब हम इसको ट्रक में रखेंगे तो आधे से ज़्यादा सामान तो इसी दीवान में आएगा। यहाँ पर भी जोरदार काम चल रहा है। टीवी हम लोग निकाल चुके हैं। टीवी फ्रिज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पैक करने के लिए। फ्रिज तो अभी नहीं करेंगे, और किचन का सामान हम लोग अभी कुछ पैक नहीं करेंगे, क्योंकि खाना तो आखिरी टाइम तक चाहिए होता है। तो कल रात जाने का प्रोग्राम है हम लोगों का। यहाँ पे मम्मी बात कर रही है, देखिए कितना सामान बिखरा पड़ा है इधर उधर। और यहाँ पे टीवी का स्टैंड जो यहाँ पे लगाया होता है वो निकाल रहे हैं। उस समय ये स्टैंड तो जो टीवी लगाने वाले आए हैं, मतलब केबल वाले, उन्होंने ही लगाया था। छोटी छोटी चीजें बहुत प्रॉब्लम करती है पैकिंग में। जैसे अगर ये वाली फोटो है तो इसमें कांच नहीं है, तो इसको पैक करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी तरह अगर ये है तो इसको पैक करने में थोड़ा सा दिक्कत है, कि ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे टूट फूट ना हो। तो ऐसी छोटी मोटी चीजों का ख्याल रखना है। सूरज भाई चलो अपने अपने कपड़े रख दो सब। ये सबसे ज्यादा लापरवाह है। सब लोग अपने अपने सामान की तैयारी कर रहे हैं, इसका कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं लगी हूँ, चल अपने अपने कपड़े रख सब। ये मेरी किताबें हैं, मेरी जान से प्यारी। भले मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, हाँ, पर मुझे लगाव है इनसे। लगाव है जो कुछ है, इसका काम यही होता है। ये किताबें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करती रहती है। ये मेरी फेवरेट बुक है, ये ज्योग्राफी की। ठीक है, ज्योग्राफी इसकी फेवरेट है। और इसमें इसके नोट्स हैं, ये है इसकी राइटिंग। ठीक है, ये है मेरा बैग और यहाँ पे मैं इसमें अपने कपड़े रखूंगी। मेरा पर्स में से पैसे भरा हुआ था। दिखा, बहुत सारे पैसे होते हैं इसके पास। यहाँ पर दे रहे हैं हम वो सामान, वेगी थे इचन। यहाँ पे जो भी वेस्ट है, मतलब किताबें जो पुरानी हैं, ये हम लोग दे रहे हैं। ये सूरज का एडमिट कार्ड है, जो 12th में उसने कुछ दिन पहले पेपर दिए हैं। एडमिट कार्ड लेमिनेशन कराने की क्या जरूरत है, वो तो ऑनलाइन निकल जाता है, पर इन्होंने कराया। तो यू फोन ठीक होना आनी तो यूँ तो दी अंदर से यूँ कवर है ना, कवर, हाँ यू फोन आ कवर सूरज तो पूछ लेना यहाँ चक्कर। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद हो चुके हैं मेरे दोनों बैग तैयार। इसमें मैंने बुक्स रखी हुई हैं और इसमें पूरे कपड़े हैं। और अब थोड़ी शांति हो रही है। शुरुआत में लग रहा था कहाँ से शुरू करें, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा खाली सा हो रहा है कमरा। और ये देखो इतना बड़ा बैग भरा हुआ है मेरे कपड़ों से, भर जाता है। गद्दे तो हमने पैक कर लिए हैं दोनों के। अभी बज रहे हैं दिन के 12 और सुबह 8 बजे से काम चालू है। लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन छोटा मोटा सामान कहाँ रखना है, किस सामान को कहाँ इकट्ठा करना है, वो बहुत बड़ी चुनौती होती है। अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, गद्दे रह गए हैं, छोटा मोटा सामान पैक हो रहा है अभी। ये शुक्र है कि बारिश प्रॉपर आ रही है शाम को और मौसम अच्छा हो रहा है। शुरू शुरू में तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। लेकिन धीरे धीरे छोटा छोटा सामान निकालना, कपड़े इकट्ठा करना और छोटे छोटे सामान से स्टार्ट किया, और फिर आइडिया आया और अब तो काफ़ी सारा सामान पैक हो चुका है। अभी हमने केवल वही सामान रखा है जिसका हम कल तक यूज़ करने वाले हैं। कल शाम को जाने वाले हैं हम लोग। ऊपर चल रहा है हेलीकॉप्टर, लगातार चल रहे हैं दिन भर हेलीकॉप्टर। बाय देख तो रहा है नहीं, बाय करके कोई फ़ायदा है नहीं। कौन है ये हीरो? हीरो कैसो? हो गई है शाम और आज तो दिन में खाना भी देर से हुआ, काम करते करते लगभग 3 बज गए, तो खाना खाने में थोड़ी देर हो गई। और अभी 6 बज रहे हैं, उठने में भी थोड़ा समय लग गया क्योंकि बहुत देर में सोए थे, और खाना खाते खाते 3:30 हो गए, तो उठने में देर हो गई। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि आजकल हर शाम को बारिश आ रही है, तो मौसम बड़ा सुंदर हो गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो रही है जूतों की पैकिंग। इससे पहले एक बार पैक कर चुके थे, लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि एक साथ करेंगे। सबने अपने अलग अलग रखे हुए थे, तो डिसाइड हुआ कि एक साथ रखो, तो अभी पापा इस थैले पे रख रहे हैं। फिर और भी जूते आ रहे हैं बाहर, सब लोगों ने अपने पर्सनल पर्सनल रखे हुए थे। देखिए हम तीनों के जूते एक जैसे हैं, ये पापा के, सूरज के, और मेरे भी हैं सेम। वो कहे अच्छा, वो वाले हम तीनों के सेम हैं।
इनको देखिए ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। अच्छा हुआ मौसम ठंडा हो गया। पापा कह रहे हैं कि उधर वाले पंखे को निकाल देंगे आज रात ही क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है ना। हमारे कमरे का पंखा निकाल दो क्योंकि कल बहुत टाइम लेगा वो। अच्छा इसको बहुत पता है, इसने तो एक भी काम नहीं किया। निकलना तो वैसे कल रात को है तो कल का पूरा दिन हमारे पास है, उसके बावजूद हमने एक किनारे सामान कर दिया है। देखते हैं कि कमरा कितना खाली हुआ। देखिए खाली खाली सा लग रहा है। अभी ये कल का काम बचा हुआ है बाकी। यहाँ देखिए इस तरफ हो गया पूरा सामान पैक और यहाँ जूते पैक हो रहे हैं। बाहर प्रेस भी पैक करना होगा क्या? क्यों ना सुन रुक जाओ क्या क्यों पता आके भाग लगे एक मिनट में होता है। देखिए आप लोग किस तरह से सामान पैक हो रखा है। कुछ आप लोग भी नॉलेज लीजिएगा कि किस किस तरह से कैसी कैसी चीजें पैक होती हैं। कभी आप लोगों को भी जाना होगा इधर उधर। ये स्लीपिंग बैग है, इसको हम लोग नहीं लेके जाने वाले हैं, इसको हम किसी को दे देंगे यहाँ। और अभी हमने डिसाइड नहीं किया किसको देंगे, मतलब कोई मिलेगा जिसको जरूरत होगी तो उसको ये स्लीपिंग बैग दे देंगे क्योंकि इसका यूज तो होता नहीं है, खाली इधर उधर जाना होता है। तो बस इस तरह से पैक हो रखा है सामान। मौसम देखिए कितना ज्यादा खराब हो रखा है, लेकिन अच्छे से बारिश नहीं आ रही। एक बार बारिश आ जाए तो मौसम ठंडा हो जाए और फिर हम लोग हमारे कमरे का पंखा निकालने हैं ना, फिर मौसम ठंडा हो जाएगा, पंखे की जरूरत नहीं है। देखिए पैकिंग करते करते हमें क्या मिली है। कुछ 32 साल पुरानी फोटोज हैं ये। ये तो मेरी मामा जी की है। इसमें मैं एक खास फोटो दिखाती हूँ आपको जिसमें दिख रहे हैं मेरे पापा। ये वाली दिखाओ जरा, ये वाली फोटो देखिए। इसमें ये वाले हैं मेरे पापा और इस वाली में देखिए जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये नीचे, ये है मेरे पापा। 91 की फोटो है। ये 91 की फोटो है, आज से 32 साल पुरानी। देखिए ये खुद को देखिए कितना खुश हो रहा है ये। बता जल्दी बता दे फिर। अंशुमन है। अच्छा देखिए 7:30 हो गई है और अभी बहुत ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ। ठंडियों में तो 7:30 होने तक कितना ज्यादा टाइम लगता है। फिलहाल हम लोग आए हैं कूड़ा डालने के लिए। सब कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हम लोग यूज नहीं करते हैं और खाली रखी हुई हैं, तो हम उन सब चीजों को हटा रहे हैं कि खाली इधर उधर ले जाना होता है इन सामान को, इसलिए हम इनको साइड कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा कूड़ा इसलिए भी हो रहा है। मैंने कल से बाहर हो रहा है बहुत अच्छा मौसम, इसलिए पंखे की जरूरत नहीं है, इसलिए रात को ही ये पंखा निकाला जा रहा है ताकि कल का दिन हमारे पास है उसमें बहुत ज़्यादा काम न पड़े, इसलिए पंखा अभी निकाल रहे हैं। ये कामचोर बस नीचे से देख रहा है, इसको कुछ आता है नहीं, बस देख रहा है। देखिए आज सामान की वजह से कैसा हो रखा है यहाँ पे। पर चलो एक दिन की बात है, यहाँ देखते हैं। यहाँ पे काम कर रही है, क्या बन रहा है आज? क्यों आंखों में? अच्छा प्याज लग रहे हैं, अंडा कड़ी बन रही है। हाँ मम्मी कह रही है कि और दिन हम लोग इसको मिक्सी से करते थे, ग्लैंड मिक्सी से करते थे, लेकिन आज मिक्सी पैक हो गई है तो हाथ से करना पड़ रहा है। और मेरी मामी जी का फोन आया है। मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, तो इसलिए इसमें है कुछ आड़ से, एक दो खा लेती हूँ मैं। तू भी खा मम्मी। वैसे तो ये बहुत खतरनाक कामचोर है, अभी एक काम कर रहे हैं सुबह से, कर साफ कर। इसको हम मजदूर लेके आए हैं काम करने के लिए और ये काम करेगा। देखते हैं कितना साफ बनाया इसने। ओ नौकर और साफ कर ढंग से। इसने देखो न करे खराब हो दो भे मुदा। इन्होंने देखो पंखा निकाला और ये इस पे छेड़ने पे लगा हुआ। जरा हे नंदा वाला डांस कर दिखाओ सर प्लीज यार बेबी प्लीज। ये तो कर लिया मैंने कट। नारी नारी इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। तनारी तारे तारे तनारे तारे नारे ना। बेचारे दोनों ने बहुत काम कर लिया है। क्या खा रही है? अंडा। क्या? अंडा। बॉयल अंडे खा रही है। तो आपने देखा कैसी पैकिंग होती है और कैसे हमारी तैयारी हो रही है कहीं जाने की। कहाँ जा रहे हैं मैं आपको कल बताऊंगी। और आज तो समय हो चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। बहुत जल्दी मिलेंगे हम आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।